नमस्कार। अभी 2 दिन पहले आपने न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे एक चीज देखी होगी, अफगान के आईटी मिनिस्टर पूर्व जर्मनी में पिक्चर डिलीवरी का काम कर रहे हैं। देखिए आप, साल भर पहले किसी देश का मंत्री जिसके पास गाड़ी घोड़ा नौकर और रुतबा सब कुछ था, और आज किसी देश में साइकिल पर पिज्जा डिलीवर करना कितना मुश्किल काम। इस मंत्री से आप कुछ सीख सकते हैं कि जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आए, जब आप खास हो और तब आप आम बन जाओ, तब उस परिस्थिति में आपको हारना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको उस परिस्थिति से लड़ना है और आगे बढ़ना है। इस इंसान से आप यह सीख सकते हो कि जब जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थिति आए, जब आप बड़े पद पे हो या बड़े पैसे वाले हो और कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए, जब आप गरीब हो जाओ, जब आप निम्न स्तर के हो जाओ, तब भी आपको किसी भी काम करने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बड़े काम की शुरुआत छोटे लेवल से हो। देखिए, खास थे और आम बन गए। अफगान के आईटी मिनिस्टर पूर्व सैयद अहमद शाह, देखिए ये अभी वर्तमान में जर्मनी में पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं। एक बात बताऊं ना आपको, अपन तो ये बात यहां कर सकते हैं, लेकिन जब किसी इंसान को ऊपर एक गुजरती है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है सिचुएशन उभरना। कि जब एक टाइम ऐसा था जब आपके पास गाड़ी थी, नौकर थे, रुतबा था, और आज उस स्थिति पे आ गए कि जहां कभी सोचा ना था। जिस इंसान के ऊपर ये गुजरती है ना, उस इंसान को उससे उभरने में वाकई में बहुत टाइम, लेकिन जो धैर्य रखता है ना और जो सकारात्मक सोच रखता है ना, वो इंसान ऊपर उठता है। अक्सर लोग ऐसी परिस्थिति में अपना धैर्य खो देते हैं, अपना पैशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि यार मेरी वो सिचुएशन थी और आज मैं उस जगह आ गया हूं तो कैसे मैं हैंडल करूं। उस वक्त आपको धैर्य रखना है, उस वक्त आपको सकारात्मक सोच रखनी है और कुछ ऐसे उदाहरण अपने जीवन में लेना है कि कैसे हम आगे बढ़े। हर इंसान के जीवन में परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति से लड़िए, कभी हिम्मत मत हारिए। आईटी मंत्री रहते हुए अफगान में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया था, जो अभी बताया जा रहा है। इन्होंने सेलफोन नेटवर्क को बढ़ावा दिया था, जब ये मंत्री थे तो इन्होंने सेलफोन नेटवर्क थे वहां पे उसको बढ़ावा दिया था। इन्होंने पिछले साल इस्तीफा दिया था मंत्री पद से, ये अशरफ गनी सरकार में मंत्री थे। अशरफ गनी जो सरकार थी, अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, उनकी सरकार में मंत्री थे। अभी इनका लेटेस्ट एक इंटरव्यू भी आया है, पिज्जा डिलीवरी कर रहे थे तब इनका अल जजीरा एक न्यूज चैनल है, उन्होंने ट्विटर पर इनकी पोस्ट डाली थी और इन्होंने खुद ने कहा था, क्या कहा था देखिए, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है। इनसे आप एक ही चीज की सीख ले सकते हैं, हाउ वी केयर लेसन फ्रॉम दिस पर्सन। ये व्यक्ति कैसे खास था और आम बन गया, इसको भी तो शर्म आती होगी ना कि साइकिल पर पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं। एक व्यक्ति था जो कार में बैठते थे और ड्राइवर था, रुतबा था, पैसा था, सब कुछ था, और आज साइकिल पर पिज्जा डिलीवर करना पड़ रहा है, लेकिन ये कर रहे हैं। इनसे अपन को सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जीवन में अगर कभी ऐसी परिस्थिति अपने ऊपर आए तो कभी घबराना नहीं, कभी हारना नहीं,
कभी मन में गलत ख्याल लाना नहीं और कभी सुसाइड का सोचना नहीं, हमेशा धैर्य रखना, हमेशा सकारात्मक सोच रखना और एक छोटी शुरुआत कर और उस छोटी शुरुआत से ही बड़ा काम होगा। तो इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा।